नाश्ता ही बना रहे हैं, लेकिन स्पाइसी भाकर बड़ी बना रहे हैं, जबरदस्त और स्पाइसी सबको पसंद आती है। तो इसका क्या क्या चीजें लगती है, कैसे बनाते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। अभी भाकर बड़ी के लिए हमने लिया है मैदा, बेसन का आटा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हींग, नमक, और ये मैं मसाले में मैंने लिया है सब, इसको रोस्ट कर लिया है। ये है सौंफ, जीरा, तिल, धना और खसखस, इसे मैंने सबको रोस्ट कर लिया है। और ये नारियल, नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है और थोड़े पीस डाले हैं इस, और इसके साथ शक्कर। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बड़ा बर्तन लिया है, बड़ी थाली, उसमें मैदा और चने का आटा मिक्स कर देते हैं, साथ में स्वादानुसार इसमें नमक और आधा टीस्पून जितना हल्दी लाते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से टेस्ट है, स्पाइसी बहुत बढ़िया सी आती है। अभी इसमें मोहन करना है तो हमें इसमें गरम तेल डालना है, तो मैंने गरम तेल रखा है। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अभी मैं तेल लेके आती हूँ। अभी ये मैंने तेल गरम कर लिया है, धुआं निकलने तक अभी इसमें डालते हैं। तुरंत इसमें हाथ नहीं ये करना है, पहले स्पून से आप कर सकते हो। इस तरह से अभी इसे हम मिला लेते हैं, अभी इसे हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इस तरह से मुट्ठी में लेते हैं। अगर इस तरह से हमारे मुट्ठी में बनता है तो हमारा जो हमने मोहन डाला है वो परफेक्ट है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो बनाएंगे। अभी इसमें हमने आधा कप पानी लिया है, अभी थोड़ा थोड़ा डाल के हम डो बनाते हैं। डो इस तरह से चाहिए कि ज़्यादा सख्त भी नहीं चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा सख्त होगा तो बेलने में दिक्कत होगी, और अगर ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो भी बेलने में दिक्कत होगी। तो हम ऐसे इस तरह से बनाएंगे कि हम इजीली बेल सकेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरह से डो बनाते हैं। आधा कप पूरा यूज़ कर लिया, मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी लिया है वो थोड़ा डाल देते हैं और इसे मसल देते हैं। मीन्स इतना आटा गूंदने के लिए हमें आधा कप टोटल पानी चाहिए, और ऊपर थोड़ा सा आधा टेबलस्पून या एक टीस्पून जितना हमें पानी चाहिए। अब देख सकते हो कितना बढ़िया सा हमारा आटा गूंद गया है इस तरह से। तो हम इसे तेल लगा लेते हैं, अभी मसलेंगे नहीं उसे, इस तरह से रख देते हैं। जब हम बेलने के लिए लेंगे तब हम इसे मसलेंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अभी हमें मसाला बनाना है, तो ये नारियल है, पहले मैं वो नारियल ले लेती हूँ, इसे मिक्सर में थोड़ा अतकचरा कर देती हूँ, उसके बाद हम दूसरा मसाला डालेंगे। नारियल को हमने कर दिया है और इसके साथ हम जितनी दूसरी सामग्री है वो भी डाल देते हैं। नारियल का जल्दी होता नहीं है ना, तो इसलिए पहले मैंने थोड़ा उसे अतकचरा कर लिया है, तो मीन्स दूसरी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से हमारे जल्दी हो जाएगी। ये सब डालने के बाद इसमें नमक, गरम मसाला वो भी सब डाल देते हैं, और साथ में मैंने शुगर ली है वो शुगर भी डाल देते हैं, और इसे अच्छी तरह से वापस
मिक्सी में कर लेते हैं। हमारा मसाला रेडी हो गया, पर मैं आमचूर डालना भूल गई, तो अभी मैं ऊपर से डाल देती हूँ लगभग एक टेबल स्पून जितना, और इसे मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। खुशबू भी बहुत बढ़िया सी आ रही है। और अगर अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आधा टीस्पून या एक टेबलस्पून जितना जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। मैं नॉर्मल खाती हूँ, मीन्स इसी हिसाब से मैंने ये स्टफिंग या मसाला आप जो भी बोलते हो तो ये मैंने तैयार किया है। अभी इसे साइड पर रखते हैं। अभी 10 मिनट हो गए हैं, अभी हमें दो भी अच्छी तरह से रेडी हो गया है इस तरह से। ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ढीला भी नहीं है, तो इसके हम एक गोला तोड़ लेते हैं इस तरह से और इसे साइड पर रखते हैं। इस तरह से गोला बना लेते हैं और इसे बेल लेते हैं, थोड़ा इस तरह से हम चपटा कर देंगे इसे और इसे बेलेंगे। बिल्कुल इसे तेल या आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो आटा गूंथा है वो परफेक्ट है, मीन्स लगाने की ज़रूरत नहीं। इसे हम पतला बेल लेते हैं। इस तरह से हमने बड़ी रोटी बेल ली है इस तरह से। अभी इसे लगाने के लिए मैंने आमचूर की चटनी बना ली है। आप चाहे तो इमली की भी चटनी बना सकते हो, पर आमचूर की चटनी जो है इमली की चटनी से भी बढ़िया टेस्ट देती है, तो मैंने इस तरह से बनाई ली है गाढ़ी तरीके से। अभी इसे हम उस पर लगाएंगे। पहले थोड़ा सा ड्रॉप डाल देते हैं, उसके बाद उसको हम फैलाएंगे। इससे भी बढ़िया सी टेस्ट आती है। आप अगर हर बार आमले की चटनी यूज़ करते हो तो कभी ये यूज़ करके देखिए, गजब की टेस्ट आएगी। सब जगह अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह से अभी हमें आमले की चटनी से अच्छी तरह से कर दिया है, तो अभी जो हमने मसाला बनाया है वो अभी इसमें डालेंगे। अभी हम मसाला पहले सब जगह डाल देते हैं, उसके बाद हम स्प्रेड करेंगे उसे। क्योंकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पीस गया है, मीन्स अच्छी तरह से ये डाल सकते हैं। अभी अच्छी तरह से हमने डाल दिया है, तो हाथों से इस तरह से हम कर देते हैं, ताकि मसाला है जो हमने डाला है वो सब जगह अच्छी तरह से सेम आए इस तरह से। कम ज़्यादा होगा तो आप हाथों से इस तरह से सेट कर सकते हो। अभी अच्छी तरह से हमने सेट कर दिया है, अभी इसका हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसे रोल बनाते जाएंगे, और टाइट रोल बनाने हैं हमें, सब जगह से इसे राउंड राउंड करते जाना है।
लास्ट में जो है इसे हम वापस चटनी लगा देंगे और इसे राउंड कर देंगे इस तरह से। इसे इस तरह से हम घुमाएंगे। अभी इसे हम काट लेते हैं। इस तरह से जो साइड का है वो मैंने निकाल दिया है। आपको जैसे भी चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो, छोटे बड़े। इस तरह से इसे साइड पर रखे जाएंगे। मैं सब बना लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी इस तरह से कर दिए हैं तो हम इसे हाथ पे लेंगे और थोड़ा सा चपटा कर देंगे इस तरह से। ये लिया, एकदम हल्के हाथ से चपटा कर देते हैं। इस तरह से मैं सब कर लेती हूँ। इस तरह से हमने चपट कर दिया है। अभी तेल गर्म करने के लिए रखा है तो देखते हैं तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम हमें एक एक करके डालते हैं इसमें। इस तरह से और उसकी एक साइड अच्छी तरह से होने देते हैं। इसे पलटाने की जल्दबाजी नहीं करनी है, उसे थोड़ा एक साइड से होने देना है, उसके बाद हम इसे पलटाएंगे। अभी झाग आ रहा है तो झाग बाद में कम हो जाएगा। झाग हमारा कम हो गया है, अभी इसे हम पलटा लेते हैं इस तरह से वन बाय वन करके। दोनों तरह से अच्छी तरह से हम कर लेंगे। जितने भी है हम एक एक करके उसे सबको पलटा देते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से होने देते हैं। अच्छी तरह से तल गई है तो अब हम इसे निकाल देंगे। बढ़िया तरीके से इस तरह से हमने बनाई है। अभी दूसरी पे हम बना लेते। कितनी बढ़िया सी लग रही है। अभी दूसरी बना लेते।